नमस्कार, मैं हूं कंचन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मिलावट से मुक्त अभियान के अंतर्गत इटारसी SDM मदन सिंह रघुवंशी द्वारा खाद्य विभाग की टीम के साथ लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। आज शहर के मालवीयगंज इलाके में SDM के नेतृत्व में एक घर पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा। आज शहर के मालवीयगंज इलाके में SDM के नेतृत्व में एक घर पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा। शहर में SDM मदन रघुवंशी लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत आज मालवीयगंज स्थित रोहित यादव नामक व्यक्ति किचन बनाकर कैटरिंग का कार्य कर रहा था। कार्रवाई में सामने आया कि यहाँ बनने वाला खाना इटारसी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनरों में सप्लाई किया जाता था। किचन का मालिक रोहित यादव अवैध वेंडरों एवं ट्रेनों में पर्चों के माध्यम से खाना सप्लाई करता है। मौके पर खाद्य अधिकारी ज्योति बंशल ने संदिग्ध खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, फलीदाने, सब्जियां सहित अन्य सैंपल लिए। साथ ही प्रशासनिक टीम को मौके पर बड़ी मात्रा में गंदगी भी मिली। रोहित यादव के इस किचन में बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग करके खाना बनाया जा रहा था। टीम ने सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के संबंध में SDM मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि यह अवैध तरीके से गोरख धंधे में शामिल हैं और इस तरीके से ये खाद्य सामग्री गलत तरीके के उपयोग करके लोगों को खाना परोस रहे हैं और इस के चलते इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, मालीवन क्षेत्र में कोई कार्रवाई की गई है? किसके यहाँ की गई और क्या है, क्या मिला यहाँ पे? एक रेलवे के कैटर है, उनका एक किराए से घर लेकर मालवीगंज में कछला स्कूल के पास उन्होंने एक खाना पीना बनाते हैं व्यवसाय के उपयोग के लिए, ये यहाँ खाना बना रहे हैं। उसमें मेन चीज तो ये कि इन्होंने जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनका उपयोग कर रहे हैं जो कि व्यवसाय के उपयोग के लिए जो वर्जित हैं। दूसरा, इनके जो खाना पीने का जो सामान बना रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। खाने पीने के सामान हाइजीनिक होना चाहिए, यहाँ गंदगी होना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इनको एक नोटिस दिया जाएगा कि अगर ये तो सेकेंड टाइम अगर गंदगी मिली तो इनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और कुछ इनके खाने पीने की चीज़ें का जो पनीर है, जैसे पनीर का और मूँगफली दाने हैं, उनका सैंपल लिया है। उसमें हमें डाउट है कि शायद वो खराब हो सकते हैं या कुछ और सामग्री मिक्स हो सकती है। सर, ये किचन किस जगह के लिए उपयोग किया था, मतलब यहाँ से खाना कहाँ जाता है? रेलवे प्लेटफॉर्म पर जहाँ इनका कैटरिंग का स्टॉल है वहाँ यूज करते हैं। सर, ये वैध है या अवैध है कैटरिंग जो रेलवे वाली? कैटरिंग तो वैध है, बाकी सामान की चेकिंग जब सैंपल ले रहे हैं अगर वो उसका सैंपल फेल होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी जो जो गैस सिलेंडर का हमने जब्त किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके शहर की विश्वसनीय और तथ्यपूर्ण खबरें देखिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।